Namaskar. In this lecture, we will discuss about the direction in which a particle will be projected to pass through a given point. किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए किसी वेलोसिटी से, तो उसको किस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो एक गिवन पॉइंट में से पास कर सके. लेट अस सपोज दैट ए पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू. लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टेकिंग दिस लाइन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस. ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो यू वेलोसिटी से हमें उसको प्रोजेक्ट करना है, और एच के कोई गिवन पॉइंट है. एच के इज द गिवन पॉइंट इन दिस प्लेन. वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच वी हैव टू प्रोजेक्ट सच दैट द प्रोजेक्टाइल विल पास थ्रू द गिवन पॉइंट. वेलोसिटी फिक्स कर दी यू. अब पार्टिकल को किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए ताकि ये इस पॉइंट में से पास हो, ये हम फाइंड आउट करेंगे. हमने मान लो पार्टिकल को अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया, ये इस पॉइंट में से गुजरेगा यू वेलोसिटी से, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो ये जो ट्रैजेक्टरी बनती है इसकी इक्वेशन ही है. अगर ये प्रोजेक्ट है तो तभी इस पॉइंट में से गुजरेगा जब ये ट्रैजेक्टरी जो बन रही है ये इसमें से गुजरेगी, यानी ये पॉइंट ट्रैजेक्टरी पर लाई करेगा. सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो के इज इक्वल टू एच टेंजेंट अल्फा माइनस जी एच स्क्वायर टू यू स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा. सो वी कैन राइट दिस एज के इज इक्वल टू एच टेंजेंट अल्फा माइनस जी एच स्क्वेयर अपॉन टू यू स्क्वेयर, इसको वन अपॉन कोसाइन स्क्वेयर अल्फा को सेकेंट स्क्वेयर अल्फा हम लिख लेते हैं, विच इंप्लाइज के इज इक्वल टू एच टेंजेंट अल्फा माइनस जी एच स्क्वेयर अपॉन टू यू स्क्वेयर वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा. सोल्व करते हैं इसको आगे, तो के इज इक्वल टू एच टेंजेंट अल्फा माइनस, सॉरी इसको हम पूरी इक्वेशन को टू यू स्केयर अपॉन जी एच स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय टू यू स्केयर अपॉन जी एच स्केयर. तो टू यू स्केयर अपॉन जी एच स्केयर इंटू के इज इक्वल टू टू यू स्केयर अपॉन जी एच स्केयर एच टेंजेंट अल्फा माइनस माइनस वन बचेगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा. तो इक्वेशन बने हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर, तो अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और इसको भी इस साइड ले आए, पूरी इक्वेशन को इधर लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं. तो माइनस टू यू स्क्वायर अपॉन जी एच स्क्वायर एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन जी एच टेंजेंट अल्फा प्लस वन प्लस टू यू स्केयर अपॉन जी एच स्केयर के इज इक्वल टू जीरो. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेंजेंट अल्फा, सो दिस गिव्स अस टू वैल्यूज ऑफ टेंजेंट अल्फा, हेंस वी हैव टू वैल्यूज ऑफ अल्फा. दो वैल्यू मिले, यानी इस पॉइंट को टारगेट करने के लिए अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स कर दी जाए तो हमें दो डायरेक्शन यानी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेंगे जहाँ से उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए और वो उसको हिट कर दे.
जैसे ये मान लो अल्फा मिल गया तो हो सकता है दूसरी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, यहाँ से हमें अल्फा की दो वैल्यू मिलेगी। अभी हमने फाइंड आउट किया कि किसी भी पॉइंट को टारगेट करने के लिए अगर ग्रोथ के प्रोजेक्शन फिक्स कर दी जाए तो दो डायरेक्शन मिलती है, वो दो डायरेक्शन हमें इस इक्वेशन से मिलती है। यानी प्रत्येक वेलोसिटी के लिए दो डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन एक लिस्ट वेलोसिटी होती है उससे वेलोसिटी को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। मान लो आपने बहुत कम वेलोसिटी अगर कर दी तो पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा नहीं, पार्टिकल उससे पहले ही गिर जाएगा। तो यानी वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लिस्ट क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उससे ऊपर अगर हम रखते हैं तब आपको दो डायरेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है प्रत्येक वेलोसिटी के लिए आपको दो डायरेक्शन मिलेगी, वो हम लिस्ट वेलोसिटी क्या हो सकती है वो फाइंड आउट हम करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास, यहां से हमें टेंजेंट अल्फा की दो वैल्यू मिलती है, यानी अल्फा की दो वैल्यू हमें मिलेगी। दो डायरेक्शन हमें कब मिलेगी, जब टेंजेंट अल्फा रियल होगा। यानी यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है इसके दोनों जो रूट होंगे वो रियल होने चाहिए, तभी हमें यहां से दो डायरेक्शन मिलेगी, अदरवाइज डायरेक्शन मिलेगी नहीं फॉर रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b है हमारे पास माइनस 2u स्क्वायर अपॉन gh स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 1 a1 और c है 1 प्लस 2u स्क्वायर k अपॉन gh स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हिच इंप्लाइज ये हुआ 4u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 2 u स्क्वायर k अपॉन g h स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं तो u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 u स्क्वायर k अपॉन g h स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी स्क्वायर एच स्क्वायर से, तो यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यू स्क्वायर जी के मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हेंस यू स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर जी के, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, यहां पर ऐड करें हम जी स्क्वायर के स्क्वायर, अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी हमें ऐड करना पड़ेगा, जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर, ये स्क्वायर बना यू स्क्वायर माइनस जी के का स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉमन ले सकते हैं जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे हम तो यू स्क्वायर माइनस जी के मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी के प्लस जी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g कॉमन ले लेते हैं k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो u स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू हमारे पास है g इनटू k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी यहां से जो u की वैल्यू आएगी दैट इज द लिस्ट वेलोसिटी। आप अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इससे कम रखेंगे तो पार्टिकल यहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा, पार्टिकल इससे पहले ही गिर जाएगा। अगर यू यहां से जो भी यू की वैल्यू आएगी वो रखते हैं या उससे ज्यादा रखते हैं तो पॉइंट यहां तक जो पार्टिकल है वो यहां तक पहुंचेगा। और प्रत्येक वेलोसिटी के लिए आपने कुछ भी वेलोसिटी रखी है प्रत्येक वेलोसिटी के लिए दो डायरेक्शन मिलेंगे हमें यहां तक पहुंचने के लिए। तो लिस्ट वेलोसिटी में यहां से मिलेगी u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू g
into k plus square root of h square plus k square. Now to find the times of light to hit a given point, we किस point को जिस point को हम hit कर रहे हैं उस point तक पहुंचने में इसको कितना time लगेगा वो time हम निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी find out किया प्रत्येक velocity of projection के लिए एक minimum velocity होती है, least velocity होती है, उससे अगर velocity हम ज़्यादा रखते हैं फिक्स कर देते हैं ये वेलोसिटी है, तो प्रत्येक वेलोसिटी के लिए यहाँ पर पहुँचने में दो डायरेक्शन मिलती है। अब दो डायरेक्शन है तो दोनों डायरेक्शन से पहुँचने में अलग अलग टाइम लगेगा, वो टाइम कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। सिंस एच के आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी, लेट टी बी द टाइम ऑफ लाइट, देन एच इज इक्वल टू, एच हमारे पास होगा u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो u कोसाइन अल्फा टी, के इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू। टी टाइम के बाद पार्टिकल वहां पर पहुंचा और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच के और हम डिराइव कर चुके हैं, किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं किसी टाइम पर वो इन इक्वेशन से मिलते हैं। नाउ वी want to find the value of t, so u to given hai, so we have to eliminate alpha ko eliminate karna padega, from these equations we can write h is equal to u cosine alpha into t, or second k plus g t square upon 2 is equal to u sine alpha t, square karke add kar dete hain, h square प्लस के प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बनेगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर, बिकॉज यू स्क्वायर टी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी रेस्ट फॉर फोर अपॉन 4 प्लस जी के टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर, विच इंप्लाइज जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जी के माइनस यू स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर is equal to 0. This is a quadratic equation in t square. This is quadratic equation in t square. So this gives us two values of t square. T square की दो value मिलेगी हमें, जैसे t1 square and t2 square. अब t square is equal to t1 square, तो यहाँ से t की एक positive एक negative आएगी. T square is equal to t2 square, तो एक positive एक negative. तो पूरी इक्वेशन से हमें दो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और दो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगलेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यूज वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ टी। तो दो डायरेक्शन से हमें अलग अलग जो टाइम मिलेंगे वो इस इक्वेशन से मिलेंगे। यहाँ से वैसे टी की चार वैल्यू आएगी लेकिन दो नेगेटिव होंगे और दो पॉजिटिव, तो दो टाइम ऑफ लाइट होंगे उस पॉइंट तक पहुंचने में। नाउ we want to time of flight अगर हम निकालना चाहते हैं, इसके रूट्स निकालना चाहेंगे हम, तो निकाल सकते हैं, let t1 square and t2 square are the roots, ये roots है इस equation के, then t1 square plus t2 square is equal to t1 square plus t2 square, यानी sum of the roots will be equal to minus b upon a होता है, तो a की वैल्यू ये बनेगी हमारे पास, b ये है और c ये, तो minus g के minus u square upon g square upon 4, that is u square minus g के 4 upon g square, product of the roots t1 square t2 square will be equal to h square
प्लस के स्क्वायर सी अपॉन ए अपॉन जी स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू फोर अपॉन जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो टी वन टी टू की वैल्यू आएगी हमारे पास टी वन टी टू दिस इज इक्वल टू टू अपॉन जी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। टी वन टी टू दिस इज इक्वल टू टू अपॉन जी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें जो पॉइंट गिवन था पी उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इसको ओपी हम लिख सकते हैं। यानी जो दो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें हमारे पास आ रहे हैं उन टाइम्स ऑफ फ्लाइट की जो प्रोडक्ट है वो है टू अपॉन जी ओपी चाहे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो टाइम्स ऑफ फ्लाइट होगा टू अपॉन जी इंटू ओपी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट जो मिल रहे हैं उनकी प्रोडक्ट होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन।